प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे परिणाम हमारे जीवन में आए। हम बहुत मेहनत करते हैं कि शायद हम जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाए, कुछ तरक्की कर पाए, और उसके लिए हम जो भी संसाधन हमारे पास होता है उसको पूरी ताकत के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें कई बार बहुत बड़ी निराशा हाथ लगती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े से प्रयास करते हैं और परिणाम हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बढ़कर होते हैं। आखिर हमारी कोशिशें एक ही तरह की थी तो परिणाम फिर भिन्न क्यों आए? उदाहरण से समझाऊं, 5 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब उपचुनाव हुए अभी कुछ राज्यों में तो एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए मान लीजिए बंगाल के अंदर तो बीजेपी नहीं है, तो वहां उपचुनाव के अंदर टीएमसी जीत गई, लेकिन बिहार में तो सरकार है, वहां फिर आरजेडी क्यों जीती? जबकि हकीकत यह है कि उपचुनाव के अंदर सत्ताधारी दल जो होता है उसको एक एडवांटेज होता है। यानी परिणाम कई बार आपको विपरीत आते हुए नजर आते हैं, कई बार आपको अपेक्षा के अनुसार नजर आते हैं, या कई बार उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर नजर आते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, उनको भी उम्मीद नहीं होगी लेकिन बहुत अच्छी सीटें आई, पंजाब के अंदर भी उनको बहुत अच्छी सीटें आई। तो आखिर ये जो परिणाम होते हैं ये अप्रत्याशित क्यों होते हैं? क्या वास्तव में इस दुनिया को कोई और चला रहा है? इस बात पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। अगर हमारे पुरुषार्थ से हमें रिजल्ट मिल रहा है तो फिर हर परिस्थिति में रिजल्ट हमारे अनुकूल ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयास तो फिर एक ही तरह से हैं। लेकिन दर्शकों, हकीकत यह है कि इस दुनिया को इंसान नहीं बल्कि कोई और चला रहा है, और वो जैसा चाहता है इस दुनिया के अंदर वैसे ही परिवर्तन होते हैं, और उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि जिसके सामने हम बहुत बौने हैं बहुत छोटे हैं। 700 करोड़ की आबादी है लेकिन हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, हर इंसान का डीएनए अलग है, हर इंसान की आंखों की पुतलियां वो अलग है, यहां तक कि चेहरे भी अलग हैं। हालांकि लाखों चेहरों में कुछ चेहरे आपस में एक दूसरे से मिलते हुए जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी 3 चीज मैंने आपको बताई है, फिंगरप्रिंट्स हो, हमारे आंखों की पुतलियां हो, या फिर हमारा डीएनए हो, वो कभी भी दूसरे से नहीं मिलता है, यानी सिमिलर नहीं होगा। ऐसे में इतनी बड़ी विविधता के बाद भी यदि हमारी आइडेंटिटी किसी और कारण से अलग अलग क्रिएट की गई है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। और ये बात यदि किसी के मन में एक बार आई तो उसने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर इस दुनिया को चला कौन रहा है? ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों इस संसार में होती है जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था, और ना जिसके बारे में हम सपने में भी कोई कल्पना कर सकते हैं? यानी कुछ तो ऐसा है जो इस संसार के अंदर छिपा हुआ है और जिसे खोजा जाना चाहिए, और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हजारों लाखों साल पहले इस ज्योतिष के ज्ञान का आविष्कार हुआ। कल क्या होगा, कैसा होगा, किस कारण से होगा, कितने दिनों के लिए होगा, कौन प्रभावित होगा, अगर इसको किसी भी माध्यम से जाना जा सकता है तो केवल और केवल एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की रोशनी, ईश्वर का ज्ञान,
और ईश्वर कौन? जो इस संसार को चला रहा है। इसीलिए इस संसार के अंदर हम सभी लोग मात्र एक कठपुतली हैं और बाध्य है उस कर्म को करने के लिए जो परिस्थितियां हमें उस तरह का माहौल देती है। यह अलग विषय है कि उस परिस्थिति में हम सकारात्मक कदम उठाते हैं या नकारात्मक कदम उठाते हैं, ये हमारे अपने हाथ में है, लेकिन परिस्थितियां हमें कर्म करने के लिए बाध्य जरूर करती है। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर जब भी हमें कुछ प्राप्त होता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि हमने उसे हासिल किया है, और जब कभी हमें कुछ ना प्राप्त हो तो यह नहीं समझना चाहिए कि मेरी मेहनत में कोई कमी थी, क्योंकि जीवन के अंदर कर्म करना हमारे हाथ में है लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए संसार को भी कोई ना कोई एक शक्ति है जो चला रही है, और उसे ही हम परमपिता परमेश्वर की शक्ति कहते हैं, और वही है जो इस संसार को चला भी रहा है। कुछ अज्ञानी मूर्ख लोग इस संसार में जरूर हैं जो ये समझते हैं कि वो दुनिया को चला रहे हैं और उन्हें किसी परमात्मा ने, अल्लाह ने या किसी ईश्वर ने आदेश दिया है कि वो निर्धारित तरीके से इस संसार को चलाएं, इस संसार के अंदर एक धर्म कायम कर दे। ऐसी मूर्खता वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ये भी ऊपर वाला ही उनसे कराता है, क्योंकि अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का पता आपको नहीं लगेगा। इसलिए अच्छाई की कीमत को बनाए रखने के लिए संसार में बुराई का भी जीवित होना आवश्यक है, और इसीलिए कभी भी इस संसार के अंदर किसी भी कालखंड के अंदर एक तरह के लोग नहीं रहे, बल्कि दोनों विचारधारा के लोग रहे हैं, चाहे फिर सतयुग हो, कलयुग हो, या फिर त्रेता हो, द्वापर हो, कोई सा भी हो। अब दर्शक, आपके मन में बात आ रही होगी कि यह बात मैं आखिर आपको क्यों बता रहा हूं। इस बात के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे यदि हमने समझा तो हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को परेशानियों से बचाने में कामयाब अवश्य होंगे, क्योंकि 2027 तक का समय हमें इसी तरह की सोच के साथ चलना पड़ेगा, जहां हम स्वयं कर्ता बनकर अगर कोई कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलेंगे, और जहां हम दृष्टा बनकर काम करेंगे वहां हमें परिणाम हमारी उम्मीद से बेहतर मिलेंगे। अर्थात जब भी कोई कर्म कर रहे हैं, जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, एक ही बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि यह मेरा दायित्व है और इसे मुझे पूरा करना है। यह मेरे परिवार के प्रति ड्यूटी है, यह मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है, यह मेरा देश के प्रति कर्तव्य है, यह मेरे लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे कुल के लिए, मेरे वंश के लिए आवश्यक है, अच्छा है, मुझे यही करना है। निहित स्वार्थ से ऊपर उठ करके जब सोच करके आप काम करेंगे तो ये जो युग परिवर्तन का समय 2027 तक जो बहुत बड़ा परिवर्तन इस संसार में ला चुका होगा, ये आपको एक विजय योद्धा के रूप में स्थापित करेगा, ना कि एक हारे हुए सैनिक के रूप में। दर्शकों, बात की गंभीरता को जरा समझेंगे तो आपको हर चीज बहुत आसानी से समझ आएगी। नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई फिलॉसफी अपनी चला रहा हूं, कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो नॉर्मली कह दी जाती है। बातें अपनी जगह होती हैं, लेकिन किस समय पर किस बात का क्या महत्व है यह समझना बहुत जरूरी है। और वर्तमान का जो समय चल रहा है, जो रोज नए नए परिवर्तन हमें दिखाता है, कभी काल सर्प योग, कभी गुरु चांडाल योग, कभी गज केसरी योग, कभी अंगारक योग, कभी 6 ग्रहों की युति, कभी 5 ग्रहों की युति, कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण, उसमें भी विचित्र स्थिति ग्रहों की। इतना बड़ा परिवर्तन मैंने मेरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा ग्रहों का, जो मैं अब देख रहा हूं। इसीलिए रोज कुछ घंटे अभ्यास करता हूं, देखता हूं, चीजों को समझता हूं, ग्रहों की चाल को समझता हूं, उनके आने वाले परिणामों का अध्ययन करता हूं, ताकि आपको इस परिवर्तन के दौर के अंदर एक बेहतर आकलन दे सकूं जो आपके जीवन में आपके काम आए।
और यही प्रयास मैं करता हूं, और इसीलिए अब आपको ये बात मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस संसार को कोई और चला रहा है और हमें इस समय पर दृष्टा बनकर काम करना है, ना कि कर्ता बनकर। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सब्जेक्ट थोड़ा अलग है लेकिन हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई वो 2027 के अंदर विनर बन के खड़ा होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन भी दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप हमारे इस चैनल का भरपूर आनंद ले पाए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।